हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के कार्यपत्रक 30 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 29 तक सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कार्यपत्रक 30 का सॉल्यूशन। यहाँ दक्षता में दे रखा है पद्यांश पढ़कर केंद्रीय भाव भाषा एवं अर्थ समझकर लिख पाना। हमें एक पद्यांश दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग हमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक क्वेश्चन है तो यहाँ पढ़ते हैं इस पद्यांश को। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग धवे झलकी भरी भाल कनी जल की पुटी सुखी गए मधुरा दरवे फिरी बुझती है चलो अब कहती पर्ण कुटी करिहा कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली चल चुए। तो ये पद्यांश था। अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। यहाँ भाषा यूज की गई है इस पद्यांश में ब्रिज भाषा। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की मानक रूप लिखिए। यहाँ शब्द है जिनके हमें हिंदी अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ शब्द है सबसे पहले निकसी जिसका अर्थ होता है निकलकर, पर्ण कुटी अर्थात पर्ण यानी पत्ते, पत्तियों की कुटिया, कुटी यानी कुटिया, मग यानी रास्ते, तिय यानी पत्नी, सुखी यानी सूखना, करिहो अर्थात करेंगे, बूझती अर्थात पूछती है, पिय यानी पति। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सीता का धैर्य कब टूट गया। यहाँ आंसर लिखेंगे जब उनके कोमल होठ सूख गए व माथे पर पसीना आ गया। तो यहाँ इस पद्यांश के अकॉर्डिंग यह आंसर दिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। यहाँ हमें मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करना है जिसका संधि विच्छेद होता है मधुर धन आधार। तो यहाँ यह कौन सी संधि है, दीर्घ संधि जिसमें ए और आ मिलकर के क्या बन जाता है आ। तो यहाँ मधुर प्लस आधार यानी मधुराधर। फिफ्थ क्वेश्चन है राम सीता वन में क्यों जा रहे थे। आंसर लिखेंगे राम सीता वन में 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने जा रहे थे जो राजा दशरथ ने राम को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता की ऐसी दशा क्यों हुई। यहाँ आंसर लिखेंगे सीता को सुकोमल नारी थी तथा उनके मन में पैदल चलने के कारण ऐसी दशा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है उपयुक्त पद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ सारांश लिखेंगे जब राम सीता वन में जा रहे थे तो दो पग चलने पर ही सीता जी के थकने के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया, होर सूख गए, तब वे पूछती हैं कितनी दूर और चलना है, वह पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। उनकी यह दशा देखकर राम जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये था इस पद्यांश का हिंदी अर्थ। तो ये था कार्यपत्रक 30 का सॉल्यूशन। इससे आगे हम और भी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।